हेलो दोस्तों, मैं नम्रता आपका स्वागत करता हूँ हैकर फाइट के अंदर। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं फोन पे के यूजर फोन पे को यूज क्यों नहीं कर पा। दोस्तों इसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप फोन पे के यूजर फोन पे का यूज कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यस बैंक द्वारा फोन पे को बैंकिंग पार्टनर बनाया गया था जिससे फोन पे काम करता था और ट्रांजेक्शन करता था या रिसीव करता था, उसी प्रकार से करता था। बैंकिंग पार्टनर बनाया गया था यस बैंक द्वारा। दोस्तों यस बैंक की कुछ कमियों और कुछ हालत बिगड़ती हुई हालत को देखकर आरबीआई बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी सेवाओं को 5 मार्च से 30 दिन के लिए बंद कर दिया है, जिससे फ़ोन पे अब काम नहीं कर रहा है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बात है कि फ़ोन पे काम क्यों नहीं कर रहा। दोस्तों फ़ोन पे काम इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि यस बैंक के द्वारा बैंकिंग पार्टनर बनाया गया था और उसी प्रकार से वो बैंकिंग काम करता था, फ़ोन पे सेवाएं बंद हो गई है जिससे फ़ोन पे काम नहीं कर पा रहा। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बात है और दोस्तों इसकी सेवाएँ 30 दिन के लिए बंद हुई है यस बैंक की। यह भी नहीं कह सकते कि 30 दिन के लिए बंद हुई है, हो सकता है कि हमेशा के लिए बंद हो जाए या फिर 30 दिन के बाद ऑन हो जाए। 30 दिन के बाद में ऑन हो जाएगी तो फोन पे काम करने लगेगा या फिर किसी और बैंक के साथ में बैंकिंग पार्टनर करके फोन पे ऑन हो सकता है, वरना यस बैंक की सेवाएं अगर हमेशा के लिए बंद हो गई तो आपका फोन पे हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों फोन पे ने भी ट्वीट करके बताया है कि अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण सेवाओं को कुछ समय के लिए रोका गया है, जल्द ही सेवाओं को बहाल किया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार से फोन पे बंद हुआ और कब तक चालू हो सकता है ये कोई कंफर्म नहीं है, और कब तक के लिए बंद है ये भी कोई कंफर्म नहीं है। फिलहाल नोटिफिकेशन आया है कि 5 मार्च से 30 दिन के लिए फ़ोन जो भी यस बैंक है उसकी सेवाएं बंद की है, उसके बाद में शायद मेरे हिसाब से फ़ोन पे चालू हो, यस बैंक की सेवाएं चालू हो सकती है, उसके बाद में ही आप काम दे सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा इस वीडियो के अंदर कुछ भी आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ।